एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस बी सी 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 टू सेवन सेगमेंट डिकोडर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज द मीनिंग ऑफ बी सी डी टू सेगमेंट सेगमेंट डिकोडर मीन्स के इसमें हम जो नंबर्स देंगे वो बी सी डी फॉर्म में देंगे और हमें वहाँ पर सेवन सेगमेंट पर वो डिस्प्ले होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेवन सेगमेंट सेवन सेगमेंट मीन्स ऐसे आपका जो आपके कैलकुलेटर में भी होती हैं एट डिजिट्स ऐसे ठीक है इसे हम कहते हैं सेवन सेगमेंट ठीक इनकी नंबरिंग नाम दे देते हैं ए B C D E F एन G ठीक है तो हमने अगर सपोज जीरो डिस्प्ले किया ठीक है जैसे आप कैलकुलेटर में अगर आप जीरो टाइप करते हो तो सिर्फ आपको ऐसे विजिबल होता है ठीक तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले ठीक तो हम क्या करेंगे बाइन बी सी डी में नंबर्स देंगे और वो हमारा डिस्प्ले होगा सेगमेंट्स में ये इसके सेवन सेगमेंट्स थे इंक्लूडिंग जी ठीक तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जीरो का अब हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टिंग मीन्स की विथ ब्लॉक डायग्राम अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हमारा जब इसका ब्लॉक डायग्राम होगा तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे इनपुट इसका क्या है बी सी डी आउटपुट पर क्या मिलेंगे सेवन सेगमेंट मीन्स की यहाँ पर फोर इनपुट्स होंगे वन टू थ्री फोर सपोज इन बी सी डी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई ए बी सी डी ठीक तो ये हमारा क्या है बी सी डी टू सेवन सेगमेंट क्लियर आउटपुट्स पर हमें कितने मिलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लियर सेवन मिलेंगे और ये सेवन क्या होंगे फर्स्ट हमारा होगा ए देन बी सी डी ई एफ एंड जी समटाइम्स डेसिमल पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसको हम एच लेते हैं हमें यहाँ डेसिमल की जरूरत नहीं है सेवन सेगमेंट चाहिए तो ये तो हो गए इसके इनपुट्स ये हो गए इसके आउटपुट्स और ये क्या है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेवन सेगमेंट क्लियर नाउ अब हमारा जो सेवन सेगमेंट होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक हमारा होता है कॉमन एनोड कॉमन एनोड और एक हम बढ़ते हैं कॉमन कैथोड ठीक है cathode, तो इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगी कॉमन कैथोड कैम कॉमन कैथोड का मीन्स कि अगर आपको किसी भी सेगमेंट को ऑन करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वन वन मीन्स ऑन जीरो मीन्स ऑफ ठीक है एनोड में जस्ट अपोजिट होगा आई विल ट्राई टू अपलोड कॉमन एनोड ऑल्सो बट इन दिस वीडियो इन टूडेज वीडियो हम डिस्कस करेंगे विथ कॉमन कैथोड नाउ मैं एक इसका लॉजिक डायग्राम शो करती हूँ जो गेट से नहीं होगा वो हमारे ब्रॉक से यूज होंगे बट आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे कैसे होगा उसका ये हमारा होगा इधर ड्राइवर ठीक है जो कि हमारे सेगमेंट्स को ड्राइव करेगा तो इसको हम बोलेंगे कॉमन कैथोड क्योंकि हम कॉमन कैथोड यूज करने जा रहे हैं कॉमन कैथोड डिकोडर ड्राइवर ठीक है इसके इनपुट्स कितने होंगे वही हमारे बी सी डी के इनपुट मीन्स फोर ए बी सी डी डन नाउ ये ड्राइवर है ये हमारा ग्राउंड होगा और इसको हमें वी सी सी भी देनी होगी क्योंकि ये हमारे सेगमेंट्स को ऑन करेगा नाउ अब हमारे सेवन सेगमेंट्स कैसे कनेक्टेड होंगे यहां पर मैं शो करती हूँ ये हमारे सेवन सेगमेंट्स हैं ठीक है सेगमेंट सेगमेंट मीन्स की ठीक इनकी नंबरिंग ए बी सी डी ई एफ और जी ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हो गया दिस इज डिस्प्ले और ये हमारा डिस्प्ले कौन सा है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले तो एवरी जो डिस्प्ले है वो हमारा डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं होगा वो थ्रू हमारा रजिस्टेंस होगा तो हम कैसे शो करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक ये ए के लिए बी सी डी ई एफ जी ठीक और ये रजिस्टेंस सारे हमारे सेम होंगे वो रिस्पेक्टिव सेगमेंट से हमारे कनेक्टेड होंगे ठीक कॉमन कैथोड है मीन्स के सबके जो ग्राउंड्स होंगे वो हमारे कॉमन होंगे तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉमन कैथोड ठीक है ये हमें डायग्राम हो गया दिस इज द लॉजिक डायग्राम लॉजिक डायग्राम विदाउट गेट बेसिकली बेसिकली लॉजिक डायग्राम अभी हम इसका इंटरनल डायग्राम विथ गेट्स करेंगे तो ये तो हमारा डन हो गया नाउ अब हमें इसकी क्या करनी है ट्रुथ टेबल बनानी है तो स्टार्ट करते हैं नाउ अब हम इसका टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने मेन चीजें लिख ली इनपुट्स चाहिए डिस्प्ले चाहिए सेवन सेगमेंट कोर्स चाहिए सेवन सेगमेंट कोर्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ट्रुथ टेबल सबसे पहले इनपुट्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे ए बी सी डी जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी लिखा था और यहाँ पे भी है ए बी सी डी ठीक दिस इज द आउटपुट ऑफ सेगमेंट्स मीन्स की ए बी सी डी मीन्स की आउटपुट ऑफ दिस डिकोडर ठीक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम शो करेंगे विथ जीरो 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 अगर हम जीरो डिस्प्ले करते हैं तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा ये एल ग्लो होंगी ठीक है जीरो के लिए मीन्स की जी ऑफ है अकॉर्डिंग टू दिस आप देखो अगर मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ नंबरिंग ईजी हो जाए सो so दैट कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है तो इस केस में क्या होगा ये स्ट्रक्चर होगा मीन्स की जी ऑफ है तो जो भी ऑन है वो वैल्यू क्या होगी वन होगी जो ऑफ होगा वो जीरो होगा ये हमारा कॉमन कैथोड में ठीक नाउ जब हमें वन डिस्प्ले करना होगा वन इसका डिस्प्ले क्या होगा दिस वन ठीक तो हमारा क्या लेते हैं हम इस केस में बी सी ठीक है सिर्फ हमें ये वाली लाइन दिखेगी बी सी मीन्स की ये ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 जीरो ठीक है ये हो गया हमारा फॉर वन ना टू के लिए बी सी डी में क्या होता है जीरो वन ज़ीरो टू जब डिस्प्ले करेगा हमारा उसका शेप कैसा होगा दिस वन ठीक मीन्स कि ए ऑन है बी ऑन है सी ऑफ है ठीक है डी e ऑन है ई ऑन है ठीक है एफ ऑफ है और जी ऑन है टेन ये हो गया फॉर टू नाव फॉर थ्री जीरो जीरो वन वन थ्री कैसे शो करेगा ठीक मीन्स कि एफ़ और ई e ऑफ है रिमेनिंग ऑल ऑन है ई e और एफ़ की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी रिमेनिंग ऑल को मैंने ऑन कर दिया ठीक है नाउ फोर फोर कैसे शो होगा ठीक फोर के लिए ए हमारा ऑफ है बी हमारा ऑन है सी हमारा सॉरी सी हमारा ऑन है डी ऑफ है ई e ऑफ है ऑफ e है एफ ऑन है जी ऑन है ठीक है ये हो गया, clear? Now, अब हमारा क्या होगा के लिए ए ऑन है बी ऑफ है सी ऑन है डी ऑन है ई ऑफ है ठीक e है एफ ऑन है और जी भी ऑन है दिस इज द फाइव ठीक है क्लियर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ नाउ अब हम करते हैं किसके लिए सिक्स के लिए, Six के लिए? जीरो वन वन जीरो सिक्स के लिए क्या शेप होगा ठीक दिस इज सिक्स सिक्स केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा बी ऑफ है मीन्स वन जीरो वन 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 नाउ सेवन सेवन के लिए क्या होगा जीरो वन 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 बाइनरी में शो कैसे करेंगे दिस इज सेवन मीन्स की ए बी सी ऑन होंगे ए बी सी रिमेनिंग ऑल क्या होगा जीरो ना फॉर एट वन ज़ीरो 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 एट के लिए डिस्प्ले ऐसा होगा ऑल एल ई डी विल ग्लो ऑल सेगमेंट क्या होंगे ऑन होंगे डन यहाँ तक क्लियर नाउ क्या बच गया हमारा नाइन नाइन के केस में हमारा क्या होगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन और इसका डिस्प्ले कैसा होगा वन यहाँ 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 और यहाँ ठीक सिर्फ और सिर्फ ये ऑफ होगा क्लियर है दिस इज नाइन नाइन के केस में हमारा सिर्फ ई ऑफ होगा मीन्स की वन 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 जीरो वन वन नन ये हमारी होगी इसकी ट्रुथ टेबल विथ डिस्प्ले आई थिंक क्लियर होगी आपको में स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन फॉर ए बी सी डी ई एफ जी तो वन बाई वन में फॉर ऑल तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर ए सेवन के मैप्स बनेंगे तो स्टार्ट करते हैं विथ ए तो ए के केस में पहले तो ये हमारे बीसीडी नंबर्स हैं तो बीसीडी के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो डोंट केयर होंगे मीन्स की टेन इलेवन ट थर्टीन फोटीन फोटीन फिफ्टीन ये डोंट केयर रहेंगे फॉर ऑल सेवन आउटपुट्स के लिए ये हमारे डोंट केयर रहेंगे नाउ अब हम बनाते हैं ए के लिए तो हमें चेक करना होगा कि ए कहाँ कहाँ पर हमारा हाई है मीन्स कि मीन टर्म्स हमें कहाँ पर मिल रही हैं ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं फॉर ज़ीरो वन के लिए नहीं है टू पर है थ्री पर है टू थ्री देन फाइव सिक्स फोर फाइव फाइव सिक्स देन सेवन एट नाइन थ्री के लिए ऑन है सेवन ठीक है तो दिस इज द मैपिंग फॉर ए ठीक है तो जब हमने ए की मैपिंग कर ली तो अब हम इसे क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट हमारा जब देखते हैं हमारा 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 इन दोनों टर्म्स को कवर करने के लिए हमारा ये form Done. ये फॉर्म फॉर्म होगा होगा डन एक ऑक्टेट तो मैं यहाँ पे इक्वेशन से इसकी लिखती जाती हूँ सबसे पहले हमारी ए की इक्वेशन ए के लिए हमारी इक्वेशन क्या आएगी जो फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ इक्वल टू क्या आएगा ये दोनों रो यूज हुई व्हाट इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस रो ए ठीक है प्लस नाउ अब हमें कॉम्बिनेशन और बनाना है वन मोर ऑक्टेट पॉसिबल अगर हमें इन चारों को कवर करना है तो इसके थ्रू ये कवर हो गया ठीक प्लस इसके लिए अगर हम करेंगे चारों रो हो गई मीन्स वन हो गया ये दोनों कॉलम से वट इज द कॉमन वैल्यू सी प्लस नाउ ये मीन बच गया इसको हम किसके साथ कंवर करेंगे यहां पर हम एक क्वाड बनाएंगे ठीक इस क्वाड के लिए ये दोनों रो यूज हुई मीन्स की कॉमन क्या है बी ये दोनों कॉलम से क्या कॉमन आया डी प्लस Now, एक सिंगल मीनटम ये बचा तो हम क्या करेंगे कॉमन वैल्यू बी बार से क्या कॉलम है इन दोनों कॉलम से वट इज द कॉमन वैल्यू डी बार तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ए एज इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार ठीक मैं ऊपर साइड में लिखती जाती हूं आप भी अपनी कॉपी में लिखते रहना नाउ नाव के एम फॉर बी अब हम जब बी के लिए बनाएंगे तो हमें क्या देखना है डोंट केयर्स तो सेम होंगे सिर्फ और सिर्फ फाइव और सिक्स पर जीरो है रिमेनिंग ऑल पर ये वन है सिर्फ और सिर्फ फाइव सिक्स पर ठीक है तो फाइव सिक्स के अलावा मैं सब जगह वन पुट करती हूँ वन सॉरी ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव पर ज़ीरो था सिक्स पर ज़ीरो था सेवन ठीक है देन हमारा एट नाइन ठीक दिस इज़ द कॉम्बिनेशन अब हम इसका कंबाइन करते हैं इसको तो यहाँ पर देखो आप ये और ये ये हमारे मैक्स टू मैक्स हमारे मीन टर्म को कवर कर रहा है तो हमारा जब हम बी के एक्सप्रेशन लिखेंगे बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑक्टेड हमारा ये बना इन दोनों रो से व्हाट इज द कॉमन वैल्यू बी बार ठीक कॉलम सारे इंक्लूड हो गए मीन्स की कॉलम से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा नाउ अब हमारे पास कौन कौन से मीन टर्म बचे वन क्वाड यहाँ वन क्वाड यहाँ तो फॉर दिस क्वाड कॉलम से क्या आएगा सी बार डी बार फॉर दिस ये क्या आएगा सी डी तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बी ठीक है नाउ अब हम करेंगे किसके लिए सी के लिए C. C के केस में आप देखो सिर्फ और सिर्फ टू के लिए ये जीरो नाउ हाँ अब हम इसके के मैप बनाते हैं के मैप इसके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो करते हैं कि वैल्यूज तो अब हमने सिंपलीफाई करना है इसको तो फर्स्ट हमारा जो होगा फर्स्ट ऑक्टेट एक तो हमारा ये बनेगा ठीक है इन दोनों नहीं इसकी जरूरत नहीं है हम सीधे ये वाला कवर करते हैं इससे हमारे छः मेन टर्म्स कवर हो जा रहे हैं ठीक तो C इज इक्वल टू चारों रो इन्वॉल्व हो गई कॉलम से क्या कॉमन आएगा C बार ठीक है दिस इज अ स्मॉल C दिस इज स्मॉल C और ये हमारा C बार प्लस नाउ अब हमें किसको कवर करना है ये मेन टर्म है और ये दो बचे हैं ठीक है तो इस मेन टर्म को अगर हमें कवर करना है तो हमें एक ऑक्टेट रिक्वायर्ड होगा वो ऑक्टेट कौन सा होगा दिस वन ये ऑप्टेट बनाए तो इसके लिए क्या आएगा ये दोनों कॉलम यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या आएगी डी प्लस नाउ वन मीन टर्म इज लेफ्ट तो इसके लिए हम जो बनाएंगे ये थर्ड ऑक्टेट ये फॉर दिस ऑक्टेट वॉट इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस टू रो बी इज द इक्वेशन फॉर सी सी बार प्लस डी प्लस बी रिमेंबर दिस इज स्मॉल सी सेगमेंट का सी है और ये हमारे इनपुट का कैपिटल सी है for D, D के एफ फॉर डी डी के केस में वन पर ये लो है मीन्स कि जीरो पर हाई होगा वन पर लो है टू थ्री टू थ्री हाई है देन फोर पर लो है रिमेनिंग फाइव सिक्स पर हाई है फाइव सिक्स पर हाई है फाइव सिक्स पर हाई है एट नाइन पर हाई है एट नाइन दिस इज द मैपिंग फॉर डी क्लियर नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्टेड बनेगा दिस वन दिस वन इज द फर्स्ट ऑप्टेड फ्रॉम दिस ऑक्टेड हमें क्या मिलेगा इक्वेशन हमें किसकी लिखनी है स्मॉल डी ये दो रो में से व्हाट द कॉमन वैल्यू ए इज कॉमन प्लस नाउ बाकी को हम करने की कोशिश करते हैं तो नाउ अगर हम इसको देखें तो इसका ऑप्शन है इसके साथ बट पेर बनेगा तो हम बनाते हैं क्वाड कॉर्नर के चारों एलिमेंट्स को लेते हैं तो क्वाड बनेगा ये रो और ये रो से व्हाट इज द कॉमन वैल्यू बी बार फ्रॉम दिस फ्रॉम दीज टू कॉलम्स व्हाट इज द कॉमन वैल्यू डी बार इज द कॉमन ठीक है डन प्लस नाउ अब हमारे क्या मीन टर्म्स बच गए एक ये बचा एक ये बचा और एक ये बचा तो फॉर दिस हम क्या बनेंगे करेंगे एक क्वाड बनाएंगे दिस वन दिस क्वाड तो इसके लिए तो हमारी वैल्यू हो जाएगी सी डी बार ठीक नाउ अब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा किसके साथ पेयर अप हो सकता है हाँ इसकी भी हमारा एक क्वाड बन सकता है बैक टू बैक कैसे ये क्वाड यहाँ से ठीक है और

नाउ अब हम शुरू करते हैं फॉर ई ई के केस में जीरो पर वन है मीन्स वन टू पर वन है टू पर वन देन सीधे सिक्स पर वन है सिक्स मीन्स यहाँ वन है सिक्स के बाद सॉरी सिक्स पे वन है और सिक्स के बाद ये सीधे एट पर वन है ठीक है मीन्स की यहाँ इस मीन टर्म को अगर कवर करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है बैक टू बैक दिस वन ठीक है तो मीन्स कि ई के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा फ्रॉम दिस टू रो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू

एट नाइन ठीक नाउ अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाइड तो सबसे पहला जो हमारा ऑक्टेट बन रहा है वो है दिस वन ठीक है ये ऑक्टेट बनाया तो एफ के लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा इस रो से कॉमन क्या हो जाएगा ए और कॉलम तो सारे इन्वॉल्व हो गए मीन्स वन हो गया नाउ अब हमारा क्या है दिस मीन टर्म दिस मीन टर्म कैन बी कवर्ड बाई दिस क्वाड दिस वन ठीक है ये हमने क्वाड बनाया तो ये हमारा कवर होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस सी बार डी बार प्लस नाउ अब हमारे पास दो मीन टर्म्स बच गए ये और ये बट ये एक साथ तो पेयर अप हो नहीं सकते तो इस मीन टर्म को हम कवर करेंगे विथ दिस स्क्वाड ठीक है इस स्क्वाड से वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम दिस रो आएगी बी फ्रॉम दिस टू कॉलम्स आएगा सी बार प्लस नाउ ये हमारा लेफ्ट हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे ठीक बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो ये रो यूज हुई मीन्स की बी फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम यूज हुआ मीन्स डी बार तो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्मॉल एफ आउटपुट एफ क्लियर तो आप ये इक्वेशन लिख लो मैं भी ये इक्वेशन लिख लेती हूँ ये हमारी क्या है ए प्लस सी बार डी बार प्लस बी सी बार प्लस बी डी बार नाओ लास्ट के मैप फॉर जी ठीक है नाउ लास्ट तो अगेन मैं डोंट केयर पुट कर देती हूँ टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नाउ मीन टर्म्स कहाँ होंगे दिस वन मीन्स टू दिस वन मीन्स थ्री दिस वन मीन्स फोर ठीक है फाइव सिक्स फाइव सिक्स उसके बाद एट नाइन एट नाइन ठीक ये हो गया नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सिंप्लीफाई करना तो हमारा जो दिस ये मीन टर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्टेट से ही कवर होगा दिस वन ठीक और ये ऑक्टेट है मीन्स कि जी का जो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ से रो से क्या कॉमन होगा ए प्लस नाउ ये जो हमारा है ये दोनों मीन टर्म्स इस क्वाड से कवर होंगे यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी रो से बी कॉलम से क्या मिलेगा कॉमन सी बार प्लस नाउ ये जो हमारे मीन टर्म्स हैं हमारा क्या है ऑप्शन कि आइर हम इन दोनों को इसके साथ कवर कर लें बट स्टिल ये लेफ्ट होगा तो हमें इसके साथ कवर करना होगा या बैक टू बैक कनेक्ट करना होगा तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉर दिस ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको मैं ऐसे कवर कर लेती हूँ यहाँ ठीक है ये डन हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी डी बार बस अब हमारे पास एक मिनटम ये रिमेनिंग है तो ये हो जाएगा ऐसे बैक और ये बैक मीन्स दिस रो दिस रो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस रो बी बार ये दो कॉलम व्हाट इज द कॉमन वैल्यू सी तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जी मैं लिख लेती हूं यहां पर ए प्लस बी सी बार प्लस प्लस सी डी बार बी बार सी नाउ अब हम क्या करेंगे इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है अब हम इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये मैंने सारे इनपुट्स ले लिए ए बी सी डी विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ठीक है मीन्स कि अगर नॉट गेट की आउटपुट होगी तो वो उसका बार रिप्रेजेंट करेगी स्टार्ट करते हैं विथ ए ए के केस में हमारे टू एंड गेट्स हैं मीन्स कि हमने टू एंड गेट लिए फर्स्ट ठीक है फर्स्ट एंड गेट बी डी है मीन्स कि बी देन डी सेकेंड पर बी बार डी बार है मीन्स बी बार एंड डी बार ठीक फिर ए प्लस सी मीन्स कि हम एक और गेट लेंगे जिसके फोर इनपुट्स होंगे दो तो ये हो गए फिर इधर से क्या होगा ए और देन सी मीन्स कि सी डन ए इज़ डन नाव अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर बी बी के केस में हमारे पास क्या है टू एंड गेट्स हैं मीन्स वन टू ठीक है one, two, इनकी आउटपुट जाएगी एक और गेट को जिसका नाम क्या होगा बी फर्स्ट है सी बार डी बार चलो सी बार डी बार देन सेकेंड में है सी डी मीन्स सी और डी ठीक है थर्ड इनपुट क्या है बी बार तो यहाँ से हमने लिया बी बार और ये कनेक्ट कर दिया ये हो गया हमारा बी नाव फॉर सी सी के केस में हमारा क्या होगा C बार बी डी सारे सिंगल हैं मीन्स कि सिंपल एक ऑर्गेट लिया यहाँ C लिखा फर्स्ट इनपुट इज C बार मीन्स कि C बार सेकेंड इनपुट इज B मीन्स कि B थर्ड इनपुट इज़ D मीन्स कि D डन हो गया नाउ फॉर D अब हम D के लिए करेंगे तो हमारी एक ऑर्गेट होगी इसके बहुत सारे इनपुट्स हैं फर्स्ट इनपुट क्या है A तो हमने A तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसको दिस वन ठीक है सेकेंड टर्म है B बार D बार मीन्स कि हमें एक एंडगेट चाहिए जिसका इनपुट क्या होगा फर्स्ट B बार सेकेंड इनपुट क्या होगा डी बार फिर आउटपुट जाके यहाँ कनेक्ट थर्ड है हमारा सी डी बार मींस कि एक और एंड गेट लगेगा इसका फर्स्ट इनपुट होगा सी सेकेंड इनपुट होगा डी बार ये जाके यहाँ कनेक्ट होगा नेक्स्ट है हमारा बी बार सी मीन्स कि ये ये हमारा होगा बी बार ये हमारा होगा सी ये जाके कनेक्ट होगा यहाँ ना वन मोर एंड गेट, वन मोर गेट इसके तीन इनपुट हैं फर्स्ट है इसका बी देन है सी बार मीन्स कि सी बार और देन है डी मीन्स की दिस वन ठीक ये जाके कनेक्ट होगा ठीक है दिस इज फॉर डी ठीक है नाउ अब हमें किसके लिए करना है अब हमें करना है फॉर ई ठीक है तो ई e की एक्सप्रेशन ठीक है ई में हमारे दो एंड गेट हैं तो पहले मैं लिख लेती हूँ ये हो गया मेरा ई ठीक है फर्स्ट एंड गेट इसके इनपुट क्या है बी बार डी बार मीन्स बी बार डी बार सेकेंड एंड गेट है उसके इनपुट क्या है सी डी बार मीन्स हमने सी कहाँ से लिया सी और इसके साथ क्या है डी बार ठीक है ये हमारे यहाँ पर इनपुट होंगे तो हमारा ई e भी डन हो गया नाउ अब हम किसके लिए करेंगे हमें करना है फॉर एफ ठीक है फॉर एफ तो मैं ये बनाती हूँ फॉर एफ ठीक है एफ में ए डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है मीन्स ए को लिया डायरेक्टली कनेक्ट किया देन क्या है सी बार डी बार मीन्स एक एंड गेट लिया इसको दिया मैंने सी बार देन डी बार और ये और गेट की इनपुट बन गई नेक्स्ट क्या है बी सी बार एक और गेट लिया जिस पर हमने कनेक्ट किया बी को then हमने कनेक्ट होगी यहां पे। लास्ट क्या है बी डी बार एक गेट लिया यहां पर हमने कनेक्ट किया बी और डी बार को ये हो गया फॉर एफ ठीक है नाउ मुझे लाइन को एक्सटेंड करना होगा नाउ हमारा लास्ट लास्ट जी ये मेरा जी हो गया ठीक है जी का फर्स्ट टर्म क्या है ए मीन्स को ए को लिया और डायरेक्टली एज अ इनपुट अप्लाई किया नेक्स्ट इज़ बी सी बार एक एंड गेट लिया यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया बी सी बार डन नेक्स्ट क्या है सी डी बार मीन्स सी डी बार मीन्स सी हमारा कहाँ पर है दिस वन सी ये है हमारा डी बार कनेक्ट किया नाउ क्या है बी बार सी तो एक और एंड गेट जिसकी फर्स्ट इनपुट इज बी बार सेकेंड इनपुट इज सी और ये हमने कनेक्ट किया ठीक है तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर बी सी डी टू सेवन सेगमेंट जिसके चार इनपुट हो गए ए बी सी डी ठीक है विच यू कैन से कि फोर इनपुट्स ए बी सी डी एंड सेवन आउटपुट्स ए बी सी डी ई एफ जी है अगर कोई वैल्यू कॉमन हो तो आप उसको फीडबैक कर सकते हो बट उसको ढूंढना कनेक्ट करना तो मैंने ऐसे गेट्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया थैंक यू सो मच दिस इज BCD to 7 segment code converter using common cathode method. I will try to upload as soon as using common anode method. Thank you so much.